देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिलाधिकारी की सख्ती का असर अब नजर आने लगा है। कस्या और हाटा के उप जिलाधिकारियों ने अवैध बालू खनन करने वालों के विरुद्ध छापेमारी की है। आपको बता दें कि हेतिमपुर के घाट पर भी छापेमारी की गई है। जानकारी के अनुसार कुशीनगर जिले में बड़े पैमाने पर बालू खनन किया जा रहा है, जिसके चलते राजस्व की हानि हो रही है। बीते दिनों स्टाफ मीटिंग में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को अवैध बालू खनन रोकने के लिए छापेमारी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके उप जिलाधिकारियों ने निर्देशों को गंभीरता से ही नहीं लिया, जिसके बाद जब ग्रामीण न्यूज कुशीनगर के कसिया तहसील के अंतर्गत हेतिमपुर के घाट पर बालू के खनन की कवरेज करने पहुंचा, तो वहां का नजारा ही अलग था। नदी में अवैध खनन करने वाले अपनी नावों में नदी से बालू का खनन कर रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि प्रशासन के आदेश का असर इस घाट पर बिल्कुल नहीं पड़ा है। हालांकि ग्रामीण न्यूज की सूचना पर कसिया तहसील के उप जिलाधिकारी ने जब छापेमारी की तो पता चला कि काफी बड़ी मात्रा में 25 ट्रक बालू स्टोर करके नदी किनारे रखा गया था। अचानक पुलिस और जिला प्रशासन की कार्यवाही से बालू खनन करने वालों में खलबली मच गई, जिस डर से कुछ नाविक तो अपना नाव ही छोड़कर नदी में कूद कर भागने लगे, तो वहीं कुछ नाविक अपने नाव को प्रशासन की कार्यवाही की जद से दूर ले जाने के लिए जद्दोजहद करने लगे। लेकिन प्रशासन पूरी कार्यवाही करने के लिए घाट पर पहुंचा था, जिसके चलते हाटा तहसील के उप जिलाधिकारी ने नदी के दूसरी तरफ पहुंचकर खनन करने वालों को घेर लिया था, लेकिन फिर भी खनन करने वाले अपने नाव छोड़कर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि प्रशासन ने सभी नावों को मौके पर नदी में डुबा दिया तो कुछ को तोड़कर नदी में बहा दिया। बताया जा रहा है कि इस घाट पर पहली बार इतनी बड़ी कार्यवाही हुई है। अब देखना ये होगा कि इस कार्यवाही से खनन माफियाओं में कितनी दहशत होती है और खनन पर कब तक रोक लग पाती है, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा एसडीएम ने अवैध खनन के घाट पर पड़े बालू को नदी में बहा दिया है। इसी के साथ एसडीएम ने बताया कि छापेमारी अभियान जारी रहेगा और सरकार की तरफ से जारी खनन पर अंकुश लगाने के आदेश का पालन करते हुए लगातार ये छापेमारी जारी रहेगी। कुशीनगर से प्रमोद गोंड की रिपोर्ट, ग्रामीण न्यूज। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।